ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स की डार्केस्ट और डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स। आप ब्लैक होल की डेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ब्लैक होल्स लाइट तक को बेंड कर देते हैं। इन ब्लैक होल्स का मास भी इतना ज्यादा होता है कि यह अपने पास आने वाली किसी भी चीज को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। लेकिन हाल ही में हमारे वैज्ञानिक दो ब्लैक होल्स की टक्कर के साक्षी बने और हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी से 80 लाइट ईयर की दूरी पर खोजा एक ऐसा तारामंडल जो हमारी तारामंडल की समझ को गलत साबित करता नजर आ रहा है। इस तारामंडल में हमें एक ग्रह अपने तारे को हैरतअंगेज स्पीड्स पर ऑर्बिट करता नजर आया और नासा हाल ही में मून सैंपल्स और रॉक्स को कलेक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को हायर करने क्यों जा रही है, जानेंगे इन सब के बारे में आज के एस्ट्रोनॉमी अपडेट के एपिसोड में। दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल स्पेस डोज और इनटू द यूनिवर्स विद पंक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर रखें ताकि आपको इन अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। 2 सितंबर 2020 को रिसर्चर्स की एक टीम ने अपनी खोज को अनाउंस किया। अपनी इस खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने दो विशालकाय ब्लैक होल्स को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। उन ब्लैक होल्स की वो टक्कर हमारे द्वारा ऑब्जर्व की गई ब्लैक होल्स की सबसे बड़ी टक्कर है। इस टक्कर में भागीदारी देने वाले ब्लैक होल्स में से एक ब्लैक होल जहाँ हमारे सूर्य के मास से 66 गुना मैसिव था, तो वहीं दूसरा ब्लैक होल सूर्य के मास से 85 गुना मैसिव था। इस टक्कर को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने उस शॉक वेव को मेजर किया जो कि इस टक्कर से पैदा हुई थी, जिसके पीछे का कारण यह है कि जब भी सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो यह स्पेस और टाइम को रैप करते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स के फैब्रिक में रिपल्स या कहे तो शॉक वेव्स का निर्माण होता है जो कि लाइट की स्पीड से उस इवेंट से दूर जाती है, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स भी कहते हैं। पहले तो यह वेव्स काफी बड़ी होती हैं, लेकिन समय के साथ ये वीक होती जाती हैं, जिन्हें डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन लीगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरीज की बदौलत हमारे वैज्ञानिक इन वीक शॉक वेव्स का पता लगाने में काफी माहिर हो गए हैं। लीगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरीज को हमारे यूनिवर्स के कैटास्ट्रोफिक मर्जेस या इवेंट से आने वाली फेंट शॉक वेव्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हीं ऑब्जर्वेटरीज की बदौलत वैज्ञानिकों ने 21 मई 2019 को 5.3 बिलियन पार्सेक की दूरी पर उन ब्लैक होल्स के कोलिजन को अपनी आंखों से देखा। इस इवेंट को वैज्ञानिकों ने GW190521 नाम दिया। यह लीगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा सबसे दूर का इवेंट था जो इतना फेंट था जिसे इजीली मिस किया जा सकता था। उन दोनों ब्लैक होल्स की टक्कर के वक्त वो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को एक काफी तेज रफ्तार से स्पिन करने लगे और फिर वो एक दूसरे से टकरा गए, जिससे एनर्जी की एक बहुत बड़ी शॉक वेव और एक ऐसे ब्लैक होल का निर्माण हुआ जिसका मास हमारे सूर्य के मास से 142 गुना ज्यादा है। 5.3 बिलियन पार्सेक की उस दूरी पर हुए इस कोलिजन की लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 7 बिलियन सालों का समय लगा, यानी कि यह इवेंट 7 बिलियन साल पहले हो चुका है और हम उस इवेंट का स्नैपशॉट आज देख रहे हैं। लीगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरी ने केवल 4 शॉक वेव्स को पिक किया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने 4 डिफरेंट एल्गोरिदम्स की मदद से उन वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट का पता लगाया और जिससे उन्हें देखने को मिला यह ब्लैक होल कोलिजन। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कोलिजन प्रोसेस के दौरान हमारे सूर्य के मास से 7 गुना ज्यादा मास डिस्ट्रॉय हो गया और जो उस कोलिजन से बाहर की ओर आने वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस इवेंट के दौरान पैदा हुई एनर्जी 7 सूर्य जैसे तारों के एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय होने वाली एनर्जी के बराबर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इवेंट हमारे लिए काफी ज्यादा रेयर था। फिलहाल लीगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरीज किसी तरह की भी ऑब्जर्वेशंस नहीं कर रही, लेकिन यह अगले साल नई अपग्रेड्स और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फिर से ऑनलाइन आएंगी, जिसके बाद हमारे द्वारा ऐसे इवेंट्स को ऑब्जर्व किया जाना काफी आसान हो जाएगा।
दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। 16 सितंबर 2020 कुछ रिसर्चर्स की एक टीम ने अपनी खोज को जर्नल नेचर में पब्लिश किया। इस खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने एक जुपिटर के साइज के प्लेनेट को एक वाइट ड्वार्फ को काफी करीब से ऑर्बिट करते हुए देखा। लगभग 80 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद WD 1856+534 नाम का यह वाइट ड्वार्फ और इसका वो ग्रह हमारी तारामंडल की समझ को पूरी तरह से गलत साबित करता नजर आ रहा है। पहले तो किसी ग्रह का एक वाइट ड्वार्फ को ऑर्बिट करना ही खुद ही में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि वाइट ड्वार्फ की फॉर्मेशन तब होती है जब कोई तारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल को पूरी तरह से यूज कर लेता है, तो वो सुपरनोवा हो जाता है, जिसके बाद एक वाइट ड्वार्फ का निर्माण होता है जो कि साइज में उस तारे से कई गुना ज्यादा छोटा होता है। अपनी सुपरनोवा प्रोसेस के दौरान कोई भी तारा अपने पास मौजूद सभी प्लैनेट्स को निगल जाता है, लेकिन इस वाइट ड्वार्फ के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वाइट ड्वार्फ और इसके प्लैनेट का सच जानने के लिए एंड्रयू वैंडरबर्ग और कई और वैज्ञानिकों ने टेस और दो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के डेटा को एनालाइज किया। टेस के डेटा में हजारों वाइट ड्वार्फ्स को स्कैन करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस वाइट ड्वार्फ को ऑब्जर्व किया। इस वाइट ड्वार्फ के ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों को इससे आने वाली रोशनी 34 घंटों के एक पीरियड के बाद डिम होती दिखाई दी, जिसका कारण था इस वाइट ड्वार्फ का वो प्लैनेट जो कि अल्ट्रा फास्ट स्पीड से इसको ऑर्बिट कर रहा है। टेस्ट द्वारा इस स्टार सिस्टम का कलेक्टेड डेटा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा था, क्योंकि उस डेटा में इस स्टार के करीबी तारे की रोशनी टेस्ट की मेजरमेंट से इंटरफेयर कर रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से इस स्टार सिस्टम को ऑब्जर्व किया, जिससे उन्हें पता चला कि वो प्लैनेट जुपिटर के साइज से थोड़ा बड़ा है और वो वाइट ड्वार्फ हमारी पृथ्वी के जितना बड़ा है और जिसका मास हमारे सूर्य के मास का आधा है। इस स्टार सिस्टम का एग्जिस्ट करना ही हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग और काफी मिस्टीरियस है, और जिस वजह से उस वाइट ड्वार्फ और उसके प्लेनेट में होने वाली इंट्रैक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई सिमुलेशन को रन किया, ताकि वो इस स्टार सिस्टम की एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री का पता लगा पाएं। वैज्ञानिकों को अपनी इस नई सिमुलेशन से पता चला कि जब वो तारा अपने फ्यूल को खत्म करने के बाद एक्सपेंड होकर रेड जायंट बना होगा, तो इसने अपने करीबी सारे ग्रहों को निगल लिया होगा, लेकिन यह जुपिटर साइज्ड प्लैनेट तब इस तारे से काफी दूर होगा। तारे के सुपरनोवा होने के बाद उस प्लैनेट का ऑर्बिट डिस्टेबलाइज हो गया होगा और उसने वाइट ड्वार्फ की तरफ आना शुरू कर दिया होगा। प्लैनेट और वाइट ड्वार्फ में होने वाली ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के कम होने के बाद वो ग्रह उस सर्कुलर ऑर्बिट में आ गया होगा जहाँ पर हम इसे आज देख रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को होने में कई बिलियन सालों का समय लगा होगा। यह वाइट ड्वार्फ भी 6 बिलियन साल पुराना है और हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया सबसे पुराना वाइट ड्वार्फ भी है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि वो वाइट ड्वार्फ उस ग्रह को एक स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हो सकता है कि वो प्लैनेट हैबिटेबल हो जहाँ पर लाइफ आज भी पनप रही हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वाइट ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम ने हमें किसी वाइट ड्वार्फ को ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद जीवन को खोजने की अपॉर्चुनिटी दी है। अब देखना यह होगा कि क्या हम उस जीवन को खोज पाएंगे। अपडेट नंबर 3। हाल ही में नासा ने ये अनाउंस किया है कि वो उन सभी प्राइवेट कंपनीज को पे करेगी जो उनके लिए मून रॉक्स और सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे, जिसके लिए उन कंपनीज को उनके द्वारा कलेक्टेड रॉक्स की पिक्चर्स और डेटा को नासा को भेजना होगा। अगर नासा उन सैंपल से सेटिस्फाइड होगा तो वो उन कंपनीज को 15,000 से लेकर $25,000 तक पे करने के लिए रेडी है। नासा के इस तरह से प्राइवेट कंपनीज को हायर करने के पीछे का कारण है ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स को कलेक्ट और टेस्ट करना। नासा सन 2024 में अपनी आर्टेमिस मिशन के साथ फिर से चांद पर इंसानों को भेजने जा रही है, और वो चाहते हैं कि यह सैंपल कलेक्शन डेल 2024 से पहले पूरी हो जाए,
ताकि आर्टिमिस मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स उन सैंपल्स को पृथ्वी पर ला सकें। वैसे $25,000 उन स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने वाले बिलियन डॉलर्स के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन नासा के सॉफर के पीछे का आइडिया यह है ताकि चांद के रिसोर्सेज को बाय और सेल करने के कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज किया जा सके और ल्यूनर मार्केट प्लेस की तरफ एक छोटा कदम उठाया जा सके। नासा वैसे भी कई प्राइवेट कंपनीज के साथ ऑलरेडी अपकमिंग मून मिशंस के लिए काम कर रहा है, जैसे कि स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स, जो आने वाले नासा के मून मिशंस के लिए ह्यूमन लैंडर को तैयार करेंगे। और इसी के साथ नासा कुछ ऐसी कंपनीज के साथ भी काम कर रही है जो कमर्शियल ल्यूनर पेलोड प्रोग्राम के लिए एक लैंडर को डेवलप करेंगे जो चांद पर लैंड होगा। नासा की इस नई अनाउंसमेंट के बाद वेरियस कंपनीज को अपने लैंडर पर एक छोटा एक्सकेवेशन और सैंपलिंग मैकेनिज्म लगाना होगा ताकि वो पहली स्पेस रिसोर्सेज की सेल को अंजाम दे पाएं। नासा के द्वारा सैंपल को कलेक्ट करने की यह पहली डील शायद आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा कॉमन हो जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है आज के इस एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो हमारे चैनल स्पेस डोज और इनटू द यूनिवर्स विद पंक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।